win. Bad night. सिक्योरिटी पाजी, सिक्योरिटी पाजी। सारे कैसीनो में एयर कंडीशन ऑन है, पिट बॉस ने फोन पे कूलर मंगाया पाजी। और ये वो ठंडा करने वाला कूलर नहीं है, कूलर उस इंसान को बुलाते हैं जिसे कैसीनो तब बुलाता है जब कैसीनो हार रहा होता है और पब्लिक जीत रही होती है। कोई खिलाड़ी है? खिलाड़ी नहीं, पनौती है, मनहूस है, बैड लक। देखना, जैसे ही वो अंदर आएगा, जिस जिस टेबल से वो गुजरेगा वहां की विनिंग स्ट्रीक लूजिंग स्ट्रीक में बदल जाएगी, उनकी खुशियां गम में बदल जाएंगी और हमारा कैसीनो जीतने लग जाएगा। आ रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती? इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। कोई आ जा। हाथों की रेखा इसे रुलाए, किसी रबर से मिट न पाए। कुछ भी देती नहीं है, बदले में लेती ही रही है। सच पनौती, सच पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ही सच लूजर, ही सच लूजर, ही सच 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 लूजर। समझ में नहीं आता, जब भी तू कैसीनो में आता है इतना दुखी क्यों लगता है? जब जब मैं आता हूं लोग हारते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितना हारा हुआ हूं। तो फिर तू कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मैं जहां भी नौकरी करता हूं अपनी बुरी किस्मत की वजह से निकाल दिया जाता हूं। लेकिन ये कैसीनो ही ऐसी जगह है जहां मुझे बुरी किस्मत की वजह से पैसे मिलते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? बस आज लास्ट डे है, आज के बाद सब बदलने वाला है। वो कैसे? बताता हूँ। मेरी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन मेरी शादी अपने सच्चे प्यार से होगी ना, मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। ये देख, अब वो दिन दूर नहीं। मैं प्रपोज करने वाला हूँ पूजा को। पूजा, विल यू मैरी मी? नो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? What's wrong with me? Everything. जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो, everything has gone wrong. 6 बार तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। I've lost my job. I've lost my friends. कल पता है क्या हुआ? I lost some hair also. Listen, Arush. You're very sweet. मगर तुम पनौती हो। मैंने अपने भैया को भी जब बताया तुम्हारे बारे में, उन्होंने भी कहा कि जिस आदमी की नौकरी उसकी बैड लक की बदौलत है, वो मेरी किस्मत के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। और वैसे भी उन्होंने मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी। ट्रू लव की दिल से मांगे दुआएं, किस्मत पलट के ठेंगा दिखाए। लड़की से बोले मैरी मी बेबी, वो बोले ओवर माय डेड बॉडी में भी। पनौती, कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ही
मेरी बहन से दूर रहना, समझे? Bloody loser. लूजर कहीं का. आरुष, पाजी, तुसी जा रहे हो? हाँ, लगता है तुझे मकाऊ रास नहीं आया. मुझे तो दुनिया रास नहीं आई. तो फिर कहाँ जाएगा? दुनिया में एक ही आदमी है जो मुझे पनौती नहीं समझता. हम लंदन में साथ साथ बड़े हुए, साथ गिरे, साथ संभले, काम भी साथ ही में किया. बचपन से उसने मेरी बुरी किस्मत को झेला अपनी अच्छी किस्मत समझकर. मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं अपने घर, मैं लंदन जा रहा हूँ. लंदन. Seventeen. Everybody's over now. Stop talking about. Yeah, but he's cute. You never change. Whatever. I'm off now. Off? Yeah. I need to look after my baby. Oh, good luck. Ladies and gentlemen, most of you know me. I'm Kishore Samtani, the owner of this fabulous casino. पर मैं हिंदी में बोलूँगा. I want to speak in Hindi. क्योंकि जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता और मेरी गालियों पे भी तालियां पड़ती हैं. 200 साल तक आप लोगों ने मेरे देश को लूटा है, इसलिए मैंने लंदन में आके ये कैसीनो खोला है तुम लोगों को लूटने के लिए. प्यारे कुत्तों, तालियां हैं, तालियां हैं. मेरे फिरंगी जुआरियों, द नेक्स्ट राउंड ऑफ ड्रिंक्स आर ऑल ऑन मी टू सेलिब्रेट द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ माय स्टार डीलर बाबूराव टू हेतो. फॉर बीइंग माय वाइफ. मेरे कारण 2 साल से तुम्हारे पापा ने तुमसे बात तक नहीं की. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू. अरे प्राडा के लिए आई लव यू और मेरे लिए क्या? छोड़ो ना. अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? 2 साल हुए शादी को. तुम्हारा एनिवर्सरी सरप्राइज ऊपर है. सरप्राइजेस? आई लव सरप्राइजेस. तो थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाओ. बाद में क्यों? बाद में क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में विक्टोरिया सीक्रेट इज नॉट गोना बी अ सीक्रेट एनीमोर. हां. विक्टोरिया सीक्रेट्स. आ लिंगरी. ये या लिंगरी. लिंगरी. आज का टाइम मेरा पिंजरा तो खोल तो जाए. Thank you.
मेरी क्यूटी पाई हुई हुई और के रजाई हुई हुई पापा विदाउट अंगड़ाई हुई हुई चमाइला नीना हुई 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 या मैं हूँ तुम्हारा पति तुम मेरी लुगाई हुई 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 तुमने मेरे लिए पहनी है लिंगरी और मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों के लिए काटियर की घड़ी तुम्हारे खूबसूरत बाहों के लिए दूंगा कुची का बैग हुई 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 और तुम्हारे खूबसूरत गालों के लिए दूंगा जिलेट का रेजर जिलेट का रेजर बेबी ये आरुषि ये मेरा दोस्त है नमस्ते आरुषि मेरी बीवी हेतल है आरुषि आंखें बंद कर अरे मेरी आंखें नहीं अपनी आंखें बंद कर सॉरी बेबी सॉरी सॉरी नो बेबी ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई बॉब भाभी अंदर गई भाभी अंदर गई नहीं बाहर गई ओह चलो ठीक है भगवान का शुक्र है अबे खिड़की के बाहर गई है वो हाय रब्बा चल जल्दी बेबी बेबी इज माय बेस्ट फ्रेंड 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 इस तरह बिन बुलाए नहीं आते और अगर आते भी है तो घर में नहीं घुसते और अगर घुसते भी तो बेड में जाके सो नहीं जाते प्लीज प्लीज हेतल आई नो वो थोड़ा बेवकूफ है इन इन मामलों में पर ही इज रियली अ स्वीट गाय सिंपल है सोने का दिल है तो दिन की तो बात बात है जस्ट वन वो मैंने खिड़की मैंने साफ कर दी है सारा सामान उठा लिया मैं वो भाभी जी आपको ज्यादा चोट तो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि कैसा दोस्त है बिना बताए आ गया पर भाभी जी बॉब और मैं बचपन से मैं ना इसे 5 साल भी नहीं मिलूं तो कोई बात नहीं लेकिन जब मुझे इसकी याद आती है तो 1 सेकंड भी मैं दूर नहीं रह सकता बस बिना सोचे समझे मैं सारा अपना बैग शैग पैक करके 2-3 हफ्तों के लिए आ गया हूँ तो 2-3 साल लाइफ को हैंडल करने की मुझ में ताकत रहेगी I just want to be with him. तो 3 हफ्ते जी भाभी जी दो 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 तीन तेरी बचपन की आदत गई नहीं हकलाने की यू नो भाभी जी जब ये स्ट्रेस्ड आउट होता है ना तो ये हकलाता है और आज इज देयर एनी प्रॉब्लम मैं सोने जा रही हूँ ओके भाभी जी को बुरा तो नहीं लगा नहीं यार डोंट बी सिली Are you sure it's okay if I stay here? Of course. ये तेरा ही घर है 2-3 हफ्ते ज्यादा तो नहीं है ना नहीं कम है बेबी बेबी जो भी हुआ उसके लिए हम डैम सॉरी बेबी बेबी तो हम कहाँ थे तुम कपड़ों के बिना उसके ऊपर थे और मैं कपड़ों के बिना उसके सामने थी बेबी ओके बेबी के प्यारे प्यारे हाथ कहाँ है गाय 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 ओ आई फाउंड देम ओके बेबी की प्यारी प्यारी आंखें कहाँ कहाँ शो 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 ओ दे दे यार अब बेबी के किसी भी लिप्स कहाँ है बाथरूम कहाँ बाथरूम कहाँ तू तू यहाँ क्या कर रहा है मैं नीचे बाथरूम ढूंढ रहा था हा? मुझे बाथरूम नहीं मिला बाथरूम जाना है बाथरूम कहाँ है थैंक यू तो हम कहाँ थे
आरुष, आई थिंक वो घर की सफाई कर रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए। I told you, वो तो बचपन से बहुत स्वीट है। What's your problem, Bob? You want to compete with me? You're making faces at me? You want to battle me? Oh, you got new moves, huh? Show me what you got. छोटी छोटी बातों पे झगड़ते नहीं है, जानती है इंग्लैंड में एक अच्छा इंडियन लड़का मिलना कितना मुश्किल है। हाथ से निकल गया तो अगली
एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, तुम उसे छोड़ दो। एज इट इज मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा हूँ। मैं देविका की शादी बाबूराव के साथ कर दूंगा, वो बाबूराव के साथ बहुत खुश रहेगी, वो खुश रहेगी, मैं खुश रहूंगा। जानती है एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर खुशी कुछ भी नहीं। I love my daughter. ये बराबर साफ कर, बराबर साफ कर, पेंटली गाड़ी से पेंटली। हाँ, ये काम कर। ये देखो बटू कबीर फरसान, लोग फरसान नहीं करते, मेरा फोटा देखे फरसान करेंगे। आरो तो बोर्ड काम कर। ये बराबर ठोक, बराबर ठोक। बाजू भेजा चल। हाँ नमस्ते, तू नमस्ते नहीं करते। महाराज यो सेठ ना माने बटू पटेल। हाँ चल काम करो। मारी चिंता नहीं करो पप्पा, हूँ बहु खुश छु, बहुत बहुत सारू छे पप्पा। उसने इस साल 3 फैक्ट्रिया खोल दी है। बिजनेस में 50 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है पापा, और हमने लंदन का सबसे बड़ा बंगला खरीद लिया है। हाँ तुम्हारी बहुत याद आ रही थी पापा। अरे गधेड़ा, तेरे को कब समझ में आएगा, बंगला कितना भी बड़ा हो पर वो घर नहीं बनता जब तक उसमें परिवार ना हो। अरे परिवार है ना, तू छे ऊ छू भैंस छे बेंटली गाड़ी छे, परिवार हो गया ना? परिवार है, ये परिवार है। और मेरी हेतल का क्या? अरे पिछले 2 साल से वो तुझे फोन करती है, पापा माफ कर दे, माफ कर दे, और तू है जो उसे माफ ही नहीं करता। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा दामाद दिखता कैसे? अरे दामाद तो मैंने ढूंढा था, दामाद वो अहमदाबाद का फरसान किंग रमेश सोनी, तुमको मालूम है वो अहमदाबाद में सबसे बड़ा बड़ा बंगला है उसके पास। और वो हेतल, वो गई थी लंदन पढ़ने को और वो हकलाता वो वेटर के साथ शादी किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तू बाप है या स्टेट एजेंट, बंगला बंगला करता खुद तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ। तू मेरे को बांध दे, मेरा चमड़ी उतार दे, मेरे को बांध के मार डाल, लेकिन मैं उसको और उसके पति को कभी माफ नहीं करूंगा। अरुण कह रही थी योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आज तुम्हें उसे इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तुम्हारे पास बॉब है, तुम्हारी फैमिली है, पर मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मेरे पास सिवाय बुरी किस्मत के और कुछ नहीं है। I'm sorry. अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं जाता हूं। आरुष, पनौती वो होता है जिसकी कोई फैमिली नहीं होती। मैं गई थी कि फैमिली के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है।
आज अगर तुम इस घर को छोड़ के चले गए ना आरुष, तो पूरी किस्मत हमारी होगी। प्लीज डोंट गो। एक बात बताना तो भूल ही गया आप लोगों को। क्या? मैं प्राडा ले आया हूँ। क्या? हाँ। मेरा प्राडा? हाँ। कहाँ? अंदर है। प्राडा? प्राडा? कहाँ है मेरा प्राडा? Are you all ready? Are you all ready? Yes. Yes. Okay. Baby प्राडा. 3, 2, 1. ये रहा। Yes. Oh my God. Gentlemen, here I present Prada. ये Prada तो parrot था, ये तो tit tit. हाँ तो Prada नाम का जानवर यही available था, इसलिए मैं लिया था। अरे तुझे ये मिला कहाँ से? मिला कहाँ से? शेयर बाजार से। तू 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 दूर रह। ये खा जाएगा तुझे? नहीं 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 खाएगा। देखो ये vegetarian। अरे डरने की कोई बात नहीं भाभी जी, इधर आइए। आइए भाभी जी, आप डरिए मत, मैं कह रहा हूँ ना। एक मुझे दरवाजा बंद करने दो, कहीं डर के भाग ना जाए। दरवाजा बंद कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी जी, कुछ नहीं होगा। अभी अभी मेरी बात सुनो, अब आप चलो। कुछ नहीं होगा, इससे दोस्ती करनी है। अरे दोस्ती करनी है? अरे ये दुश्मनी के लायक नहीं है। आइए देखिए, हम चारों को इकट्ठे रहना, दोस्ती करनी चाहिए भाभी जी। बैठिए, कुछ नहीं होगा। देखो चुप कैसे क्या बैठा हुआ। प्राडा बेटा, एक शेर सुनाओ फटाफट। छोटा नहीं बड़ा वाला, जोर से। चुप हो जा, वो डर जाएगा। अब तू लंदन में पला बड़ा है तो लंदन की लड़की से शादी कर ले। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अरेंज मैरिज, वो भी तेरे बॉस की बेटी के साथ? I don't think it's a good idea. चल घर चल, चल चल चल। आरुष, आरुष, शादी करने के लिए कौन कह रहा है? हाँ। मिल तो ले। और हम तुम्हारी फैमिली है ना? हाँ। So trust us. आरुष, जिन जिन लड़कियों ने तेरा दिल तोड़ा है, तुमसे प्यारी तो करता था ना, क्या फायदा? देविका बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। Hi boys. Hello sir. ये बॉस है? हाँ। Have some lovely chicken wings. Okay. Chicken wings for you. No thanks. Chicken wings? Sir, I'm vegetarian, sir. Vegetarian? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बैठकर मेरे ड्राइवर के साथ खाना खाओ। डोंट वेस्ट माय मनी हियर, वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। सर, ये आरुष है। मैंने आपको बताया था ना देविका के लिए। माय फ्यूचर सन इन लॉ एंड वेजिटेरियन। जी मेरा जो उपवास है। उपवास? हाँ जी। वाह, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। आई लाइक दिस बॉय ऑलरेडी। गुड बॉय, गुड बॉय। भजिए खाओगे? सर मैं सब देविका का है। देविका? ओह, देयर शी इज। वो गोल्ड ड्रेस में, वो देविका है? अरे वो तो कोई बुढ़िया खूसट है। That's my beautiful daughter. Come darling, come, come, come. Hi, my love. Hi. Hi. Hi, Devika. Hi. And that's Arush. जी नमस्ते। अरे यार ये बुड्ढो की तरह नमस्ते क्या कर रही हो? हाथ पाथ मिलाओ। Come on. Come on, come on. तुम बुड्ढा पार्टी लोग उधर जाओ, गपशप मारो, get to know each other. I like this boy, traditional Indian boy. तू चल ना, तू चल. आइए ना. Excuse me. One champagne bottle, please, quick. आप कुछ खाएंगी? Chicken wings वगैरह? Chicken? जी. नहीं, आज मेरा Tuesday है. आपका भी उपवास है? वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आप लंदन की रहने वाली हैं। जी, मतलब? देखिए ना, इतना अच्छा सलवार कमीज, कंगन छंगन, बस एक बिंदी पहन लेते तो बहुत अच्छा लगता। Why not? शर्मा लाज तो औरत का गहना होता है। कितने ऊंचे विचार है आपके। आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं, लव मैरिज में नहीं? मैं लव में बिलीव करती हूँ, पर शादी के बाद। मेरा मानना है कि अगर रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया हो
तो कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। आप कितने स्वीट हैं। आप भी। क्या फैसला किया? बात पक्की समझू? बात पक्की। शर्मा रहा है, मतलब बात पक्की। मजा आ गया। लो भजिया खाओ। भजिया क्यों? अरे आज मंगलवार है, वेजिटेरियन कपल, वेजिटेरियन। लो मुंह भजिया करो। कंग्रेचुलेशन सर। तुम दोनों की वजह से वो जैसे पनौती की किस्मत बदल गई। यू नो सन इन लॉ, यू आर अ वेरी लकी मैन। किस्मत तो तुम्हारी अब बदलेगी। आज से देविका भी तुम्हारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, इसकी खुशियां भी तुम्हारी, और इसके 500 मिलियन पाउंड भी तुम्हारे। हैव फन सनी। Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino! Welcome signorita, welcome to Puglia, the most romantic, the most beautiful place in the world! Robert De Niro ka kasam hamara hotel full hai! Aapka booking cancel. Aap chale jao, please, go get out, go home, gracias, prego! लेकिन हमें तो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी। I'm joking! Mamma mia! Come on! Agenda allora! Let me introduce myself. मैं इस होटल का मालिक। मेरा नाम आखरी पास्ता। आखरी पास्ता? ये कैसा नाम? हाँ, पास्ता मेरा सरनेम। मेरा फादर इटालियानो, उनका नाम था स्पेगेटी पास्ता। मेरा मदर हिंदुस्तानी, उनका नाम सेवैया पास्ता। सेवैया पास्ता? और मैं इस फैमिली का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्राइड, लेट मी वेलकम द ब्राइड इटालियन ट्रेडिशन। मम्मा मिया, एंड नाउ फॉर द बिग स्मूच। नो स्मूच। आई एम जोकिंग। ये तुम खुद पहन लो। कम ऑन बेले सीमा, लेट अस गो। तुमसे पहले तुम्हारा लगेज तुम्हारे कमरे में पहुंच गया। थैंक यू। अलोरा, हम तुम दोनों के लिए दो ब्यूटीफुल कमरा बुक किया, अलग अलग फ्लोर पे। hey, हम हनीमून पे आए हैं। अब जोके वाला कोची, तुम किधर का रहने वाली? अभी तो तुम इटालियन था, पठान कैसे हो? मेरे पैदाइश काबुल में हुई। काबुल में? अब जोके अलोरा, मेरा होटल वो देखो किदर? देखो कहाँ कर दे कमीने, छोड़ छोड़। hey! Mamma mia! It's such a beautiful bride! I'm only welcoming her! कसम बरसा चिका, यह हमारा होटल का सबसे बेहतरीन हनीमून स्वीट। तुम्हारा लगेज ऑलरेडी आ गया, ठीक है ना? एक मिनट, सॉरी, वन सेकेंड। Mamma mia, ये लोटा कहाँ से? ये हमारा पुश्तैनी कलश है। मेरी स्वर्गवासी माँ ने इस पे पैर मार के अपनी मैरिड लाइफ शुरू की थी। अब देविका तुम्हारी बारी है, ठीक है? इस पे पैर मार के जिंदगी शुरू करते हैं। मम्मा मिया,
मेरा पुश्तैनी लौटा मेरा। I'm sorry, लेकिन तुमने तो कहा था किक करने के लिए। But not like a football. You break my glass. I'm sorry. कोई बात नहीं, आप जाकर रेडी हो जाइए। Okay. Okay, Senor Arus. All the best with the honeymoon. Sweet, your wife very beautiful. Okay. Thank you. Mia. Any problem? Thank you very much. Call me. Just thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll get ready. I'll get ready. आज मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। आज की रात के बाद आई वोंट बी पनौती एनीमोर। हाय देविका। हेलो हेलो। मैं कपाल भर्ती क्यों कर रहा हूँ? हाय आई एम ऑल सेट। हनीमून की रात को क्या करते हैं ये तो मालूम है, लेकिन कैसे करते हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो व्हाट, शी विल टीच मी, शी विल टेल मी। She'll teach me. मैं सीख जाऊंगा, मैं सब सीख जाऊंगा। होले होले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। हल्के हल्के धीमे धीमे बिखरी मेरी जुल्फें सुलझ जाना, मैं ना तोरी सह पाऊंगी ऐसी वैसी बातों में उलझाना। सपना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट इन बेड लेके आए। खाओ खाओ बिस्कुट, मेरी टेस्टी। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस मेरी बीवी का, देविका, देवी
तुम्हारी बीवी साहब बीच पे चला गया होगा. I have a biscuit. बीच पे? I have... देखो तो. Oh, I'm coming to help you. Coming. शायद तुम्हारा बीवी शॉपिंग करने को गया होगा. Mamma mia! तुम्हारा बीवी मिल गया. किधर किधर मिला? बिकिनी में मिल गया. You're just joking. I'm not joking. शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है. शर्म, लाज, गहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना. तुम्हारा हनीमून पर तुम्हारा बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ? तुम्हारे साथ गॉड इज जोकिंग. से शादी क्यों की? क्योंकि पापा के सर पे इंडियन लड़के का भूत सवार था. मेरी नाम की सारी प्रॉपर्टी मुझे एक ही कंडीशन पे मिलेगी, अगर मैं एक इंडियन लड़के से शादी करूं. वो मुझे कुछ 22 इंडियन बॉयज दिखा चुके थे, उनमें से तुम मुझे बहुत स्वीट लगे. मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी तो तुम मान जाओगे. आरुष, प्लीज डोंट क्राई, आई एम रियली सॉरी. लेकिन तुम शादी के पहले भी तो समझा सकती थी ना. I'm sorry, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते थे. अब मैं क्या करूंगा? बस दो हफ्ते तक इंतजार. लीगली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी. और मैं तुम्हें 1-2 मिलियन पाउंड्स भी दे सकती हूँ. I'm sorry, but we're so in love. Arush, please, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. Please. I understand. Thank you so much, Arush. Thank you. Okay. Arush, you're the sweetest man I know. Bibi mili bhi to dekho kaisi jo kar gayi. ऐसी की तैसी बनते बनते यू बात बिगड़ी. बसने से पहले ही दुनिया उजड़ी. पनौती कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं. हिस्सा चल इतना घिनौना मजाक क्यों किया मेरे साथ? मेरी बैड लक भरी जिंदगी तो तेरे हाथ में है, लेकिन मेरी मौत तो मेरे हाथ में है. एक ही चीज मांगी थी तुझसे, सच्चा प्यार. क्या दिया? सिर्फ बदकिस्मती, बैड लक, पनौती बना दिया. मैं आ रहा हूं तेरे पास. आ रहा हूं.
मारिया बेबी मैं तुमको बाद में 3D में देखेगा. 3D मेरा रूम नंबर. दिस ड्रिंक इज फ्री. आई एम जोकिंग. कम ऑन यू गो प्रॉन्टो प्रॉन्टो. अच्छा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मेरा सर बहुत गर्म है. सैंडी बेबी तुम्हारा दिमाग कितना गर्म क्यों है? दांदा पी लो. अभी अभी मैंने एक डूबते आदमी की जान बचाई और जब मैं उसको माउथ टू माउथ दे रही थी, यू नो व्हाट ही डिड? व्हाट? उसने मुझे किस किया. मम्मा मिया, दैट्स टेरिबल. एग्जैक्टली. नो, कोई मेरे होटल के सामने डूब जाए और मेरे को नहीं पता चले, दैट इज टेरिबल. मैं मीडिया को बुलाता, न्यूज को बुलाता, मेरे होटल का पब्लिसिटी होता, मेरा होटल इटली का सबसे फेमस होटल हो जाता. पास्ता, दैट्स नॉट फनी. ओह कम ऑन. ओह माय गॉड, पास्ता, ये है वो डिस्गस्टिंग इंसान. अलोरा, ये आदमी ताई के साथ? ये पर्वत नहीं है, ये बेचारा किस्मत का मारा. इसकी जिंदगी में बहुत ट्रेजेडी. नो लव नो अमोर. तुमको पता है इसके साथ क्या हुआ? No. हनीमून के रात को इसका बीवी गया. Obviously, ऐसे पर्वत के साथ कौन सी औरत रहेगी? नो नी, you don't capish. इसका बीवी हमेशा के लिए चला गया ऊपर. She's dead. मोर्टो फिनीटो. इसका बीवी सुहाग रात को मर गया. Oh God, पास्ता? और मैंने ऐसे आदमी को झापड़ मारा? Mamma mia. I'm joking. नहीं नहीं, मैं सॉरी कहने आई हूँ. आप क्यों सॉरी बोल रही? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए. और अगर आप उस नाजुक चांटे के लिए मुझे सॉरी कह रहे तो मत बोलिए, क्योंकि किस्मत ने तो मुझे बहुत बार चांटे लगाए हैं. आई नो. हाँ, वो आखिरी पास्ता ने ट्रेजेडी के बारे में बताया आपकी. फिर तो सारे इटली को पता होगा कि मैं आत्महत्या क्यों करने जा रहा था. आप ऐसी गलती मत कीजिए. आपको क्या पता, शायद आपका कल आपके आज से बहुत बहुत बेटर हो. आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं. थैंक यू. वैसे मैं और एक अच्छी बात कह सकती? जी बोलिए. क्या आप कल मेरे साथ लंच करेंगे? आई मीन मेरे सॉरी कहने का तरीका है. हाँ, माय नेम इज आरुष. और मैं सौंदर्य भाग्यलक्ष्मी वेंकटेश्वरी बासपा राव. अरे बाप रे, ये आपका नाम है या पूरे गांव का? आप मुझे सैंडी बुला सकते हैं. सैंडी, वेरी क्यूट नेम. थैंक यू. तो कल मिलते हैं. जी, कल मिलते हैं. बाय. तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ. And your parents? जब मैं एक महीने का था, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया. God, I'm so sorry. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं. डायग्नोस करने के बाद पता चला कि एक्चुअली उन्हें कैंसर नहीं था, उन्हें डायबिटीज थी. Oh, thank God, it's just diabetes. मेरी मम्मी भी ऐसे ही खुश हुई थी. खुशी के मारे उन्होंने उनको काजू की बर्फी खिला दी और मेरे पिताजी वहीं चल बसे. मेरी मम्मी, उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसे. 2.5 मिनट में मैं अनाथ हो गया. I'm really sorry. Even I was born in London. पर मेरे अन्ना, I mean my brother, वो इंडिया में रहते हैं. He is the head of Indian military intelligence. और मेरी बहन, वो शादीशुदा. मेरा फोन! मंकी ले गया! मैं लेके आता हूँ. तुम फिकर मत करो. मंकी, मंकी, मंकी. काटेगा. तुम फिकर मत करो. अगर ये इटालियन है तो मैं इंडियन हूँ. Be careful. फोन दो बेटा. तुम आ जाके खड़ी हो जाओ, इधर मत आना. फोन दे बेटा, प्लीज. नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा. मंकी बेटा, फोन दे. इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इंप्रेस करना. चल देख, दो झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे. Shoot!
chumps. लीजिए आपका फोन, मैं इटालियन बाकर से जंग जीत गया। थैंक यू। किसी जो भी इस गर्म कोयले के बिस्तर पे चलेगा उसके गर्लफ्रेंड को ये रेनबो एंड नॉट मिलेगा। जैसे जूनियर सीजन चलेगा क्यों ना खतरा के लिए मम्मी या फिर तो जीनी है कोई यहाँ जो चलेगा इस आग के दरिया पे। कम ऑन प्लीज आई बेग यू। दैट्स सच अ रेयर वाइल्ड फ्लावर, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। पर उसके लिए आग पे कौन चलेगा? चलो लेट्स गो। दिस मैन वॉकिंग ऑन द फायर इज अरुष। I'm in love, Bob. बॉस मानता है कि नहीं? मुझे पहली बार सच्चा प्यार हो गया है। मानता है कि नहीं? I'm so happy. मानता है कि नहीं? और देविका को? देविका को भी सच्चा प्यार हो गया है। मानता है कि नहीं? लेकिन मुझे देविका से प्यार नहीं हुआ है। मानता है कि क्या? और तुझे? किसी और से हुआ है। तू और देविका हनीमून पे गए थे ना? हाँ। और तुम दोनों को प्यार हो गया? हाँ। पर एक दूसरे से नहीं? नहीं। मेरी नौकरी तो गई। मानता है कि नहीं? I will love Bob, तू इटली आजा, जल्दी आजा Bob। तुम लोग दोनों भी कमाल हुआ, एक फोन क्या किया तो तुम लोग दोनों यहाँ चले आए। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ओके ओके। These kids, they're always having a ball. तुम दोनों ने उसको बहुत सपोर्ट किया होगा ना उसकी वाइफ की डेथ के बाद। बेबी की डेथ। ड्रिंक्स, ये लाल वाला तुम्हारा, ये पीला वाला तुम्हारा, और ये ब्लू छाता तुम्हारा, एंड ऑरेंज वन इज माइन। थैंक यू। चीयर्स। दो साल हो गए इनकी शादी को लेकिन अभी भी वही रोमांस। देविका ने अरुष को चीट किया, उसने एक छोटा सा झूठ बोला तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं। क्या हुआ? चलो इटली घूमते। कब से यहाँ बैठे हैं? इटली घुमाना। गुड आइडिया। क्यों? लेकिन देविका देविका मंदिर है वहाँ पर। देविका मंदिर दर्शन करते हैं। चल 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 चल। तो मर जाओ। oh boy, you're mine, oh boy, you're mine.
आज मैं बहुत खुश हूँ। I feel I'm the world's most luckiest person. Hi Arush. Hi. अरे, come in. Come. सीहा क्यों बुला रहा है? ये पागल हो गया है। ये भूल चुका है किसने झूठ बोला है। किसकी बीवी मर चुकी है। अब इसको कुछ नहीं हो सकता। अब सैंडी, इनकी वजह से हम दोनों मिले हैं। अब देविका मेरी मेरे बॉस की बेटी। हाँ, देविका। हाँ, हेलो। और देविका मेरी मेरे भी बॉस की बेटी। हाँ, यानी कि बॉब और मेरी बॉस की बेटी। इट्स सो नाइस ऑफ यू गाइस। मैंने सोचा शादी के बाद जो कुछ हुआ तुम लोग मुझसे बात ही नहीं करना चाहोगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में शादी की रात रात दिन तू किस्मत के बारे में बात करता है। हाय, ही इज हियर। ओके, हाय बेनी। हाय हाय बेनी। ओके, बाय बेनी। बाय बेनी। बाय बाय। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय लेनी। अरे लेनी नहीं, वो बेनी है। वो बेनी। बेनी बाय। अरे देविका, वो डिवोर्स पेपर्स फास्ट। डिवोर्स? किसका डिवोर्स? मेरा। किसके साथ? देविका के साथ। देविका तुम्हारी वाइफ है? हाँ, पर वो तो मर चुकी है। कब मरी वो? वो तो जिंदा है ना? तुम्ही ने तो कहा था कि वो मर चुकी है शादी की रात को। मैंने कब कहा था? God! And all this while मैं सोचती रही कि तुम्हारी वाइफ है ही नहीं। नहीं 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 कि तो बराबर है। हाँ, वैसे भी डिवोर्स हो रहा है। She is as good as dead. Yeah, I don't care. शादी जैसे हो, डिवोर्स हो या ना हो, सच तो यह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और झूठ के सहारे मेरा दिल जीता। डार्लिंग, डार्लिंग, मैंने कब झूठ बोला? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। What? हाँ सैंडी। इट्स सैंडी। मेरा नाम सैंडी है, सैंडी नहीं। सैंडी, आई लव यू। झूठ। डिस्गस्टिंग। सैंडी। कहाँ जा रहे हो आरुष? समुंदर में। कुछ उसके पीछे जाओ, उसे रोको। गो। इधर जा। सैंडी, सैंडी दरवाजा खोलो। सैंडी, तुम
मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, भगवान कसम मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सैंडी, माय नेम इज सैंडी, नॉट सैंडी। सैंडी प्लीज दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू गोइंग? बालकनी। फॉर व्हाट? जंप 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 प्लीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सुसाइड। बेलासिमो, वेट वेट, व्हाई यू स्क्रीमिंग? मैन इज जंपिंग फ्रॉम अ बालकनी। सुसाइड इन माय होटल, व्हाट अ पब्लिसिटी, कम ऑन लेट्स कॉल द मीडिया। Welcome, welcome, media. Wo dekho suicide. First time in Italy, mera famous hotel. Photo lo mera. Arush, Arush, tu ye kya kar raha hai? Ye pagal hai. Kabhi samandar mein jata hai, kabhi balcony se kudta hai. Arush, niche utro. His name is Arush. Arush, his amore, love, he's suiciding. Now you please take his photo, please. I request. He could have gone anywhere for suicide, but he chose my hotel, I told you. Arush, have you gone mad? Suicide, kyun kar raha hu? मैं क्या सुसाइड कर रहा हूँ? तुमने अपना दरवाजा बंद किया हुआ है, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने जो भी बोला तुम्हें सब सच बोला है। मेरी बीवी मरी नहीं है, वो जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सुहाग रात को मुझे छोड़ के किसी और के साथ चले गई। पर पास्ता ने मुझे ये सब बताया। कहा तुम पास्ता की बात सुन रही हो? He is always joking. अब मैं क्या करूं? मुझे बचाओ, ऊपर खींचो, दम लगाओ। Why did you just stop? Security, go push him, push him, Takamaro. I love you, Sandy. अब तो नाम भी ठीक बोला। अब कहाँ जा रहे हो? मैं, तुम्हें पता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब कोई किसी की जान बचाता है वो जिंदगी जान बचाने वाली की हो जाती है। अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी जान मेरी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे गवा दो। वैसे तुमने पढ़ा कहाँ था? वो पिछले महीने के कॉस्मो में। I love Cosmo. मैं आज से ग्रह शोभा छोड़ के कॉस्मो पढ़ूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बाबूराव और हेतल के विवाह के शुभ अवसर पर आई वुड लाइक टू रेज अ टोस्ट टू देम। I wish them a long and happy married life. तुम और तुम्हारे डैड बहुत क्लोज हो ना? वो मेरे पापा नहीं है, मेरे बॉस है। तो तुम उन्हें कह दो ना कि सब कुछ है, कह दो पैसा है, बड़ा घर है, कह दो कि तुम माँ बन गई हो और वो नाना बन गए हैं। Trust me, he just melt. Are you serious? तुम्हें उनसे बात करनी है ना? ये लो। बटु पटेल फरमान, एपाची बाको। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है पापा। पापा, मेरा एक बेटा है पापा। बिल्कुल आप भी गया है। पापा, और आज पहली बार उसने नाना बोला है पापा। एक बार बात तो कर लो, चाय डालने के लिए। बाय पापा। हेतल, तुम्हारी फिक्री। हेतल, मैं आ रहा हूँ, लंदन आ रहा हूँ तेरे को मिलने, अपने दामाद के बड़े बंगले में रहने और नाती को अपने गले लगाने। ओके पापा, मैं 17 तारीख को आऊंगा, 5 दिन में आऊंगा बेटी। पापा रे सैंडी, अरे मम्मी हमें क्या मर रहा हूँ तो 17 तारीख को जा रहा हूँ। अरे तेरे को अक्कल है? 5 दिन बाद क्यों जा रहा है? अभी क्यों नहीं जाता? अभी
जा, अभी कहाँ भी जा, और मेरी बेटी और मेरे दामाद को लेकर जल्दी। पांच दिन में बच्चा कहाँ से पैदा करूं? लुक, आई एम सॉरी, आई नो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे इस एक झूठ की वजह से पापा ने पहली बार मुझसे फोन पे बात की है। पर बेबी, झूठ क्यों? जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। हाय, सो स्वीट यू आर। ओके, डोंट वरी, मैं कुछ सोचता। विल अरेंज इट बेबी। रियली? और बेबी एक बिग हाउस भी। तो तुम्हारे पापा क्या पूरे गांव को लेके आ रहे? नहीं, वो पापा सोचते हैं कि ये करोड़पति है। अरे, ऐसे कैसे सोच सकते हैं वो? वो मैंने बोला था। What? Are you mad? Just desperate. हेलो अन्ना। बागुना रहा चिन्ना, मैं लंदन आ रहा हूँ, तुम्हारे घर। रियली? व्हाट आर यू सेइंग अन्ना? क्वीन ऑफ इंग्लैंड मुझे बकिंगहम पैलेस में मेडल दे रही है, क्योंकि तुम्हारे अन्ना ने बड़े बड़े टेररिस्ट का मुंह जो खुलवाया है। लव यू अन्ना, कांग्रेचुलेशंस। आई लव यू टू। अन्ना, लव से याद आया, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, समवन स्पेशल। तुझे याद है ना पूजा के साथ क्या हुआ था? नो अन्ना, दीदी जैसी गलती नहीं कर रही हूँ। अन्ना, he's a very nice man. और अच्छे परिवार से है। Is he well to do? Of course he's rich. अन्ना, पाके मिल लो ना उनसे, please. In fact, Arush is here with me. Say hi to him, ना? Hmm. Arush, अन्ना. हाँ. I mean my brother. Okay. Hello, अन्ना. अन्ना. अन्ना, मैं सिर्फ अपने बहनों के लिए। तुम्हारे लिए मैं सर। सर, मेरी बहन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी सर, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम उसके काबिल होगी नहीं। इज दैट क्लियर? सर, अगर तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी गलत लगा, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। यस सर। 3 दिन में मैं लंदन आ रहा हूं। एक सेकंड, होल्ड कर लो। सो नाउ दैट यू हैड योर लिटिल ब्रेक, शैल वी कंटिन्यू मिस्टर हैरिस? डू यू हैव एनी टेररिस्ट लिंक्स? आई सेड डू यू हैव एनी टेररिस्ट लिंक्स? आर यू अ टेररिस्ट? नो। I hate liars. हाँ, तो मैं कह रहा था आरुष, 14 तारीख को मैं लंदन आ रहा हूँ, तुमसे तब मुलाकात होगी। सर, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ओके सर। सर, हैव अ गुड। सर सर सर, फोन कट गया। तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला अपने भाई को? Neither am I rich, ना मेरे पास कोई अच्छा बंगला है, ना घर है, हाँ? किस बात के लिए झूठ बोला? And you know वो यहाँ आने वाले हैं, उनको सब कुछ पता चल जाएगा सच सच। फायदा किस बात का? मैं तो बोलता हूँ उनको फोन करके बता देते कि सच क्या है। Why lie? You're right. Where are you taking me? Bob, come here. आरुष, ये है अन्ना, मेजर कृष्ण राव, हेड ऑफ इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। और अन्ना, ये है मेरी बॉयफ्रेंड आरुष, फिलहाल जॉबलेस है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी जॉब है, बनौती की नौकरी करते हैं कैसीनो में, और आरुष इनके घर में रहते हैं, और ये फूल वाले सोफे पे सोते हैं। शादी के बाद
मैं कारपेट पे सो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अन्ना, मैं आरुष से शादी करना चाहती हूँ। फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये शादीशुदा है, लेकिन डिवोर्स के बाद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अन्ना, अच्छा लड़का चुना है ना मैंने। अन्ना, आशीर्वाद दो ना अन्ना। Are you ashamed of me? आरुष, I love you. लेकिन एक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मैं उन्हें ये सच कैसे कह सकती हूँ? क्यों? अगर तुम उन्हें सच बोलोगी तो क्या हो जाएगा? वो मुझे गोली मार देंगे। आरुष, he will kill you. Guys, look, just don't stress, okay? सांडी, तुम्हारे अन्ना कब आने वाले हैं? 14 तारीख को। और जाएंगे कब? 16 तारीख को। और पप्पा आ रहे हैं 17 तारीख को। परफेक्ट। हम लोग एस्टेट एजेंसी को फोन करके लंदन का सबसे शानदार हाउस हायर पे ले लेंगे। पहले सैंडी के अन्ना आएंगे, सोचेंगे कि आरुष का घर है, आरुष से इंप्रेस होकर चले जाएंगे। 17 तारीख को पप्पा आएंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा घर है, तुमसे इंप्रेस होकर चले जाएंगे। पापा खुश, अन्ना खुश, हम खुश। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। What a super plan. ये कौन है? इस घर की मालकिन जुलेखा मैम और उनके 3 करोड़पति। करोड़पति? उनके मरहूम पति जो उनके लिए करोड़ों छोड़ गए। सुलेखा मैम का दिल बूढ़े करोड़पतियों के लिए बहुत धड़कता है, पर बदकिस्मती देखो, सुहागरात को ही 3 गुजर गए। ये तस्वीरें उतारनी पड़ेंगी। आप किसकी इजाजत से ये तस्वीरें उतारने की बात कर रहे हैं? विधवा स्लो मोशन में क्यों चल रही है? नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ। जी मैम, वो मैंने आपको बताया था ना, नए किराएदार जो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया ना कि हम घर सिर्फ शादीशुदा लोगों को देते हैं, राइट? आप लोग शादीशुदा हैं? You are married, right? हाँ हाँ हाँ, हम शादीशुदा हैं। तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, कहाँ दस्तखत करने? कम ऑन। भाभी जी, झूठ क्या फर्क पड़ता है, जा रही है। और जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। ऐसा कहाँ लिखा है? झूठा ही बना दिया मुझे। कौन से टर्मिनल पे आ रहे? 3। ओके। नहीं नहीं, 4। नहीं, 3। सैंडी, व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? सी, अन्ना वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो किसी को झूठ बोलते पकड़ ले तो उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। अन्ना का ट्रिप पोस्टपोन हो गया, वो नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? अभी तो। लेकिन घर का तो 3 दिन का भाड़ा दे चुके हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्णा? कृष्णा तो अन्ना का नाम है। अरे अन्ना जी आ गए। ऊपर फूल हजारी बटुक बाएं, गले मोती। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वेलकम सर, वेलकम। धारवा करता बेटर लगे थे। झर से बेटर लगता हूँ? ना ना, जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छे लगते हो। ओके। गुजराती आवड़े थे? थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे पाप नहीं है। चल। पापा, सैंडी का भाई अन्ना हेतल का बाप है, तो सैंडी हेतल की बुआ। पापा, पापा कट्टे छे, बात नहीं करोगे? बग्गा, पापा, बग्गा, मारे नहीं।
आरुष, ये मेरे पापा। नमस्ते कृष्णा राव जी। कृष्णा राव? पटुक पटेल, पापा। पटुक पटेल? हाँ। पापा, आप 17 तारीख को आने वाले थे ना? उससे रहा नहीं गया, तुम्हें चला यार दामाद जी। दामाद जी? पापा आमरु पति न थी। अरे अभी तो तुमने अंदर कहा कि ये तुम्हारे पति हैं। आ तारो पति न थी? ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर है। इस नाचीज को फूल बहुत पसंद है। लीला, लीला, लीला बेन नमस्ते। बहन हो आपके दुश्मन, हमें तो सुलेखा बानू कहते हैं। इस बेधर दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और आप? रंडवा। ओके सुलेखा जी, बाय बाय। बाय बाय क्यों? पापा सुलेखा जी जा रही है। अरे जाए हमारे दुश्मन, आपके वालिद आए हैं, इनका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए, इसे आपका घर ही समझिए। वो तो मैं समझती हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आप अभी तक हकलाए क्यों नहीं। खैर छोड़िए, अंदर तो आइए ना। चलो, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं मेरे नाते से मिलूंगा, नाते को बुलाओ। वॉक भी गया पापा। इतनी छोटी उम्र में वॉक करता है? आया है ना साथ में। तो आया को फोन लगाओ ने? और बोलो झूठ, लगाओ। हेलो, आया? नहीं, कैंसिल हो गया, अब पता नहीं कब आ रहे हैं। आ गए मेरे पप्पा। ओ शिट। अरे नौकर साथ है, हम बात ना था, मना फोड़ा आप देखो। ए आया, मेरी नाती को जल्दी लेके आओ। आया? क्या वो तेरे बाप का नाती है क्या? हाँ अभी आई। जल्दी लेके आओ, ऐसे बात करते ले। क्या हुआ? पापा आ गए। पापा आ गए? लेकिन पापा तो 3 दिन बाद आ रहे थे। बच्चा मांग रहे, बच्चा अभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ से लाऊं? दामाद जी, आ कौन छे? आपकी बेटी है वो? अरे बाजू वाली। वो अपनी लैंडलेडी। तारू घर में थी? नहीं, मारो घर छे, मेरे घर है। तो फिर लैंडलेडी? पूरे लैंड में इनके जैसी कोई लेडी नहीं है। साची वाची। पापा ले, पापा ले, पापा, पापा, पाए लागू पापा, केम छो? जीते रहो। दामाजी आदाब। दामाजी आ कौन छे? दामाजी? ये घर में खाना बनाता है, ये। रसोईया? लेकिन इतने अच्छे कपड़े? यहाँ सब कुक कैसे ही कपड़े पहनते हैं। इंग्लिश कुकर? हाँ, कुकर। दामाद जी, ये क्यों हकला रहा है? हकलाते तो तुम हो ना। जब मालिक हकलाता तो नौकर भी हकलाता है। नो, क्योंकि ये मेरी इज्जत करता है, इसलिए ये भी हकलाता है। लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही बार हकलाया अभी तक। खाने में क्या बनाया? हलवा। खाओगे? आप खाओगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं बेबी को लेकर आ। आप ऐसे कैसे कह सकते हो पापा? काले गोरे का जमाना गया, मैं सावली हूँ, मम्मी सावली थी। अरे सावली तो ठीक छे, पन आ तो डांबर नो टुकड़ो छे। कुछ भी कर ले, झूठ बोले, मेरे घर को बचा ले। दामाद जी। जी। ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी दादी अफ्रीका से है। अफ्रीकन? जी। ओ जावे।
बच्चे का नाम क्या है? राहुल। रोहन। राज। अरे मारू राहुल राजेश रोहन राज। अब बच्चे के साथ कब तक खेलते रहेंगे? हाँ चलिए मैं आपको आपका बेडरूम दिखाती हूँ। आइए बेबी को मुझे देख लीजिए। मजे वो मिट्टो चे चा 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 गुलाब जामुन। आया आया मैं किस एंगल से आया लगती हूँ? कुक कुक मैं कुक कुक। लुक आई एम सॉरी बेबी, हम लोग और क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ, झूठ बोलने से अच्छा सच बोल सकते थे। 50 झूठ बोल चुका हूँ, 50 झूठ मुझे और बोलने पड़ेंगे। इसके पापा के सामने पागलों की तरह अफ्रीकन डांस कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। लेकिन तुम लोगों को बोलने से क्या होगा, मेरी तो किस्मत खराब है। देखा मेरी किस्मत? ओह तेरी किस्मत खराब है हा? तेरी किस्मत तुझे मौला, तेरी तेरी मेरी बीवी, तेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बहन, तेरी होने वाली बीवी तेरी बीवी मेरी बहन। ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है और तेरी किस्मत खराब है। वाह शाबाश। ये सब छोड़ो, अफ्रीकन बच्चा स्टेला का है। तुम्हें भी हर चीज जल्दी चाहिए ना, नकली बच्चा, नकली पति, नकली घर, नकली के बारे में ऐसे मत बोलना। पापा असली है, ओके? पापा, पापा, वो अमना माउसी, आ कुतरा उनी सामने ना नाचता। कुतरा माउसी, आ हाथ मने आप ही दे दन्नो। मैं भूल गई थी। क्या? पापा को नींद में चलने की बीमारी है। What? गब्बर सिंह, क्या मेरी रिश्ता पक्का समझो? पक्का पक्का। सुरमा भोपाली, होली क्या रे छे भाई? बाल बाल बच गए। बाल बच्चे? अभी पाल पाल बच गए, पाल बच्चे नहीं। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हश हश हश, पापा स्लीप कर रहे हैं। हश हश हश, पापा स्लीप कर रहे हैं। वॉल्यूम कम कर।
वॉल्यूम कम कर। मालिक की किस्सी ले रही हो, शर्म नहीं आती? It's not funny. Okay, I'm just joking. दामाद जी, दाचे मरो दामाद जी। तुमने कुछ बोला? ओ दामाद जी, तमे क्या जो? आरो दामाद जी भी हो जो। सुबह सुबह पापा जी कहाँ जा रहे? अपने दामाद को ढूंढने, और दामाद तो यहाँ ऊपर हेतल के साथ बॉब सोया हुआ है। मदद करो ऊपर चढ़ने में। रामाजी बक्का, ये बक्का रामाजी जागी जा रामाज। अरे छोड़, ये गाड़वा उठ। पापा ले पापा, पापा व्हाट रामाजी जी, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। पुशअप एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। अरे तुमने जो तो करा, आप थक जाओगे। मैंने जो तो करा भाई। बे त्रण चार पांच छः सात तुझे जाओ ढाकी क्यों भाई, ढाकी क्यों? देखो कर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अरे जल्दी बोल। अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए। नाश्ते का ऑर्डर मंगा पूंगा, दामाद जी जरा साइड में हो जाओ। नाश्ते में क्या खाओ? और कुछ खाओगे सर? राहुल राजेश मोहन राज रो रहा है। Stella, I'm really sorry. Just listen to me, please. Papa, मेरे left right का coordination का problem, इसलिए मैंने चिपेट मार दिया। अरे चलता है दामाद जी। Stella! You? How could you? Said you were taking my baby for a drive and you kept him for this long? आ सुपर नागा कौन से? ये राहुल राजेश रोहन राज की टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। You're so lucky that I'm taking him to play school. Otherwise, I would have called the police. It's bloody kidnapping. और ना किडनैपिंग, पुलिस क्या चिल्ला रही है? ओवरनाइट मतलब क्या होता है? ओवरनाइट मतलब होता है कि नाइट इज ओवर, यानी कि रात खत्म हो चुकी है। किडनैपिंग मतलब क्या होता है? कि किड जो है वो नैपिंग कर रहा है, यानी कि बच्चा सो रहा है। और जो स्कूल की बात थी और पुलिस की बात थी, यानी कि बच्चा जो है स्कूल से निकल के बड़ा होके पुलिस बनेगा, ये वो टीचर कहना चाहती थी। दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। ऐसे बोलो ना, कुछ कैसी औरत है, अपने नादे को गले भी नहीं लगाने दिया। हाँ ये गलत है, that's wrong. पूछना चाहिए टीचर को। अभी बच्चा चला गया, अभी टीचर भी चली गई, और अब आप कब जाओगे? ऐसे कैसे जाएंगे? मैं मेरी बेटी से मिला, मेरे नाती से मिला, मेरे दामाद जी से मिला, क्या मैं पहली बार लंदन आया हूँ? तुम लोग घुमाओगे नहीं मुझे? Of course घुमाएंगे। गुगर, हाथ पे लगा। वो मेरा भी राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है। बिफोर ये प्रॉब्लम आगे बढ़े,
आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको लंदन घुमाता हूँ, आइए। दामाजी आ टॉपलेस बस बहुत सरस छे। लंदन नो डबल लेकर ये देखो। हेलो अन्ना, व्हाट आई मीन यिप्पी, लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? हाँ ऑफ कोर्स, आपका बकिंघम पैलेस फंक्शन तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके घर पे मिलते हैं, वेलकम टू लंदन अन्ना। पापा वापस कब जा रहे हैं? मुझे क्या पता कब जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अन्ना आ गए हैं। अगर तुम्हारे अन्ना घर पहुंच गए तो पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, एक कुकर तो साइड ले। क्या पता चल जाएगा, क्या गुसुर पुसुर कर रहे हो? पापा वो सैंडी है ना, वो ये आया? नहीं नहीं सैंडी आया नहीं है, नहीं सैंडी आया नहीं है। नहीं नहीं पापा, वो बड़े अमीर खानदान की लड़की है। हाँ, और पापा इसके भाई ने इसकी शादी और भी बड़े खानदान में ऑलरेडी तय कर दी है। तो वो शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और इसने अपने भाई से झूठ कहा है कि ये एक अमीर लड़के से शादी करने वाली है। तो भाई पहुँच गए पापा लड़के के खानदान से मिलने। अरे बाबा अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करें? अब हमको इस बेचारी की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए, पर कैसे मदद करेंगे? कैसे? हम लड़के का खानदान बन सकते हैं। हाँ वेरी गुड आइडिया। और इसका मंगेतर कौन बनेगा? कौन बनेगा? जी मैं बन जाता हूँ। नहीं नहीं रामा जी, तुम कैसे बनेगा? पापा नाटक कर रहे हैं, झूठ मूठ के लिए कर रहे हैं। और जुलेखा जी आपकी पत्नी? गुड आइडिया, गुड डील, गुड आइडिया। लेकिन इसका भाई है कौन? मेरी बहन से दूर रहना, समझे? यहाँ तो नहीं। अन्ना मैं आपको आरुष की फैमिली से मिलाती हूँ। ये मैं आरुष का पापा और मैं इसकी मम्मी। मैं आरुष की बहन। मैं आरुष की बहन का पति। आरुष यू ओके ना? ही इज फाइन। उठ जा उठ जा उठ जा, कब कब उठ जा। You're okay? Thank you. मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गए? वो बाहर गर्मी काफी थी तो मुझे सनस्ट्रोक हो गया। छींटा मारो। हाँ छींटा मारो। हाँ मैंने तुम्हें कहीं देखा? कहाँ देखा? आपकी भी शक्ल जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा। तुम काम क्या करते हो? अन्ना मैं या ये इंट्रोगेशन बंद करो ना, आपका ट्रिप तो कैंसिल हो गया था ना, कैसे आ गए? भूल गई ना? क्योंकि आज रक्षाबंधन है। ओह माय गॉड, मैं भूल गई। इसलिए राखी लाया। पर ये दूसरी? पूजा ने मेरे लिए भेजी थी। दीदी आ रही है? नहीं वो वेगस में अपने हस्बैंड के साथ है, तुम ही बांधो। तुमने राखी नहीं बांधी? क्यों नहीं बांधी? वो
सैंडी के साथ मैं भी भूल गई कि आज राखी है। चलो कोई नहीं, हम दो राखी लाए। हेतल तुम एक आरुष को बांधो। ओके। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हेतल ने आरुष को राखी बांधा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन तो कल हो गया। नहीं अंकल, रक्षाबंधन आज ही है। आओ हेतल। Are you sure कि मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा? कुछ तो कनेक्शन है। पूजा। पूजा? पूजा की थाली नहीं आई। आप लोग पूजा की थाली नहीं लाए? राखी भूल गए तो पूजा की क्या जरूरत है? ऐसे ही बंद। फूलों का तारों का सबका कहना है अनर्थ है ये। कृष्णा पूजा का भाई है। तो पूजा मकाओ वाली? हाँ। लेकिन कृष्णा तो सैंडी का भाई है। अरे वो उन दोनों का भाई है। दोनों का? हाँ, मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वो तेरा भी भाई निकलता। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। एक मिनट, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा सैंडी को। अबे अभी तो सैंडी को कुछ नहीं बताएगा, वो कुछ नहीं समझेगी। नहीं, मैं झूठ जो भी तुझे सच बोल रहा है वो शादी के बाद बोलना। तू समझ ले, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आरुष जिस झूठ से किसी का घर बसता है झूठ झूठ नहीं होता, नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुझे बोलना पड़ेगा, सैंडी के लिए बोलना पड़ेगा। सैंडी के लिए ठीक है, आखिरी बार बोलूंगा झूठ, आखिरी बार बोलूंगा, आखिरी बार भाई, आखिरी बार। बहुत स्ट्रेन पड़ता है यार, बहुत स्ट्रेन। आखिरी बार नहीं, तुझे बार बार करना पड़ेगा। अन्ना, बाल लंबे क्यों कर रहे हो? मेरे साथ कंपटीशन? हे चिन्ना, अफगानिस्तान में फील्ड पोस्टिंग में था इसलिए। चाला हैंडसम यू लुक। अन्ना, अन्ना, आई गॉट यू स्ट्रॉबेरीज, पीचेस, ऑरेंज, ग्रेप्स, बिस्किट्स। अन्ना, अन्ना, सर, पेट अंदर करो। जी। अन्ना, यू आर बोथ लुकिंग वेरी नाइस, नाइस हैप्पी फैमिली। अभी तो मेरी पूरी फैमिली से मिले कहाँ हूँ, काश दीदी भी आरुष को मिल सकती। देख सकती है। कैसे? चलो साथ में आओ, मैं तुम दोनों का फोटो लेके एमएमएस से भेजता। अब क्या हुआ? अब तो धूप भी नहीं है, सनस्ट्रोक भी नहीं हो सकता। आई एम कैमरा कॉन्शियस। चलो, डोंट बी शाय, कम ऑन। ये चेहरा क्यों बना रहे हो? नहीं, वो मेरे गिर फंस गया था आंखों में। चलो ना, come on, smile, smile, no more camera conscious, stand straight. जी। Perfect. अभी पूजा को भेज दो। फोटो जल्दी। हेलो। हेलो जानू, कैसे हो? Who's this? भूल गए वो रात जब मेरे बदन के गर्म इंजन को तुमने प्यार कर। कौन बोल रहा है? धक्का दिया था। हेलो, याद है तुम मुझे होटल नागराज लेके गए थे जब हमने दोस्ताना देखी थी? तो बाहर देखो, ये रॉन्ग नंबर है, इस पे फोन मत करना। ओ बॉय, अन्ना ये सब बंद करो ना। आई मीन आप थक गए होंगे, आप जाके नहा धो लो, एमएमएस बाद में भेज देना। ओके, चलो मुझे मेरा कमरा दिखा दो। काम कम।
मजा आ गया। I'm satisfied यार। पसीने छूट गए यार। मेरे भी। चल चल। कृष्णा जी, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रसाद देने आया था। ओ। लेकिन आप भी क्या बॉय के साथ नाते हो? हाँ तो लाइफ बॉय साबुन के साथ नाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? इट्स अ वियर्ड फैमिली। मेरा फोन समथिंग रॉन्ग? वो इसे ब्रेड की एलर्जी है, भूल जाता है। अच्छा, मैंने सोचा मेरे फोन के बारे में सुनकर। क्या हुआ आपके फोन को? क्या हुआ? मैं टब में नहा रहा था तो फोन टब के बाहर था। अच्छा। जब निकला तो टब के अंदर। जी। स्ट्रेंज इज़न्ट इट? आप जब टब के अंदर थे तो फोन बाहर था, आप टब के बाहर थे तो फोन टब के अंदर था। यू वर हैविंग फोन टबल। हाउ फनी। कर क्या रहे हो आरुष? I don't think your brother likes me. Don't be silly, बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ। आरुष, ऐसे ही घूरता रहता है मुझे। You're just imagining things. ऐसा कुछ नहीं है, okay? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा गला खराब है। नहीं तो? चन्ना! अल्लाह! Sorry sir. ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। मुझे आरुष से कुछ बात करनी है। गुड नाइट अन्ना। आरुष जी, मेरा बैग एयरपोर्ट पे किसी के साथ एक्सचेंज हो गया। सॉरी टू हियर अबाउट दैट सर। तुम्हारे पास पजामा है? जी, अभी लाया। लीजिए, ये आप पहन लीजिए। वैसे मैं रात को पहनने वाला था, लेकिन मैं शॉर्ट्स में सो जाऊंगा। तुम ऐसे बेहुदा नाड़े वाले पजामे पहनते? जी, इस नाड़े से ग्रिप अच्छी रहती है, रात को सोते वक्त पजामा उतर नहीं जाता, इसीलिए पहनता हूँ सर। सो जाओ। जी, इतनी जल्दी? सो जाओ। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ए कुकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी है ना। रेगेले हो तो नाटक में। हम नाटक ही कर रहे थे। ए हेतल, तू जाके सैंडी के रूम में जाके सो जा। चल। अरे चल। ओके पापा, बाय। तू कहाँ जा रहे? मैं आज तू मेरे साथ इस कमरे में सोएगा, मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। हाँ। ओके पापा। केम छो मजामा पापा नो पजामा। पापा प्यार का टांडिया रस खेले। तू क्या देख रहा है? तू आज जमीन से सोएगा।
ये तुम क्या कर रहे हो? जी मैं बंकर बना रहा हूँ, क्योंकि रात को सोते वक्त मेरे हाथ पैर बड़े चलते हैं, आपको लग ना जाए। तुम्हें कैसे पता कि सोते वक्त तुम तुम्हारे हाथ पैर चलाते हो? जी सैंडी ने बताया। तुमने मेरे बहन के साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की? मेजर साहब, मैंने किसी की बहन के साथ ना हैंकी की है ना पैंकी की है। अभी तक मैं प्योर सो जाओ। जी गुड नाइट। स्लीप। सर आप ये मुझे सुबह सुबह कहां ले जा रहे हो? मेरा सूटकेस किसी किशोर समतानी के साथ एक्सचेंज हो गया, वही लेने जा रहा हूं। किशोर समतानी यानी बाप का कसीन मर गया? थैंक यू। वेलकम सर। तुम कहां जा रहे हो? मैं एक फोन करके आता हूं। एक ही शनन लो, तुम कब आया? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? वो घर पर है। घर पे? ओके चलो अंदर चलते हैं। जी मैं टॉयलेट करके आता हूँ। टॉयलेट? हाँ जी। अरे टॉयलेट तो अंदर भी है, ये मैंने धर्मशाला थोड़ी बनाया है। ये होटल भी तुम्हारा है, कैसीनो भी तुम्हारा है और टॉयलेट भी तुम्हारा है। चलो टेक दिस एंड कम इन। सर मैं सर जी मैं टॉयलेट हुआ। हाँ गो। ये आपका बैग यार। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। Boy, get me a drink, quick. फोन कॉल हो गया। चलो तुम यहां तक आ गए हो तो मेरे साथ चलो, बैग रिटर्न कर। जी मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मुझे अंदर जाना है। ठीक है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मैं तो यहीं जा रहा हूं। मिस्टर किशोर समतानी? मेजर कृष्णा? ओह यस यस। वो मैंने आपका बैग देखा, मेरा बैग देखा तो सॉरी अबाउट दैट कंफ्यूजन। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं अपने सन-इन-लॉ का इंतजार कर रहा हूं, वो बाथरूम गया। और आप? हाँ मैं भी किसी का इंतजार कर रहा हूं। वो भी बाथरूम गया? या व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो सन-इन-लॉ। जी मैं आपके ऑफिस में हूं। तुम ऑफिस कब आए? हाँ मैं आप जब बैग एक्सचेंज कर रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपके ऑफिस चला गया। अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूँ। आता हूँ। सी यू। यस माय सन इन लॉ इज ऑलरेडी इन द ऑफिस। चलिए बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। मिशन सक्सेसफुल, बैग एक्सचेंज हो गया। ओह आई मिस्ड इट। चलो घर चलते हैं। जी मैं ले लूंगा। चलिए। चले। तुम्हारी बहन काम क्या करती है? हाइड। हाँ नहीं हाइड पार्क में एरोबिक्स सिखाती है वो बच्चों को। हाइड पार्क में एरोबिक्स सिखाती है? जी। चलो किसी में चलते हैं। क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को यहाँ पर देखा।
अच्छा चलो चलो मेरे साथ। सर लेकिन सिट डाउन। जी शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत हूं, शायद स्लीव्स फोल्ड करो, शायद जब तब में मेरा फोन गिरा उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, शायद जो वेट्रेस मैंने कसिनो में देखी वो तुम्हारी बहन नहीं थी, शायद वो डीलर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं था, शायद जो आदमी बाथरूम के बाहर अपने सन इन लॉ का इंतजार कर रहा था वो किसी और का इंतजार कर रहा था, और बाथरूम के अंदर तुम्हारे अलावा कोई और भी था, शायद अगर एक भी शायद सच हो तो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। तुम्हारा ये सच जानने के लिए मैं ये लाई डिटेक्टर का यूज करूंगा। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो पर इससे नहीं। अन्ना ये आप क्या कर रहे हो? सच और झूठ का इम्तिहान ले रहा हूं। आरुष को कोई एतराज नहीं, राइट आरुष? ग्रेट, सो इट्स सिंपल। अगर तुमने सच कहा तो सुई ग्रीन पर जाएगी, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो सुई लाल पर, और एक बार भी सुई लाल पर गई तो मेरी बहन तुम्हारी जिंदगी से गई। सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर सिर्फ यस और नो में, ओके? क्या तुम्हारा नाम आरुष है? Yes. See, it works. क्या ये घर तुम्हारा है? क्या ये घर तुम्हारा है? वो घर तो आरुष का ही है लेकिन इनके नाम पे। क्या इस घर में आने से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या ये सब लोग तुम्हारे? अन्ना प्लीज बस करो ये सब। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरुष की कम इज्जत करती हूँ, और इस तरह से टेस्ट लेके आप आरुष की इंसल्ट कर रहे हो। भाइयों तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझे ये सवाल पूछने का। पूछना ही है तो सवाल कुछ और होने चाहिए। आरुष, आरुष क्या तुम उसे प्यार करते हो? यस। कभी मुझे धोखा नहीं दोगे? जैसे मेरे भाई ने मुझे इतने सालों से हर दुख से बचा के रखा है, क्या तुम रख पाओगे? Yes. भाई को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि कोई उसकी बहन से सच्चा प्यार करे। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, मेरा काम और नेचर ही ऐसा है कि मुझे शक करने की आदत सी हो गई। आरुष
मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। वेलकम टू फायर। जिन्ना। हारुष, कंग्रेचुलेशंस। बाकी सब तो समझ आया, लेकिन ये बता, तेरी तो शादी हो चुकी है ना, कैसे बोल दिया? वो देविका को फोन आया था दोपहर को, कसीनो के बाहर कवर कर रहा मुझे। तो उसने कहा डिवोर्स कबूल हो गया। या क्या बात कर रहे हैं? यस, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। यस, तुम दोनों यहाँ। बॉयज नाइट आउट। ये एम्ब्रॉयडरी छे, मैं तो बोलता हूं कि कम से कम 1000 कड़ियां लोग को वापरा होगा। वेलकम टू बकिंगम पैलेस, लाइक इट? यस सर। सर, अन्ना। अन्ना, थैंक यू वेरी मच। आज आपके लिए इतना बड़ा दिन और आप हम सबको यहां ले आए। कैसे नहीं लाता अरुष, योर फैमिली नाउ। और वैसे भी बड़ा दिन आज नहीं, कल है। कल? कल फिर आना है यहाँ? नहीं आरुष, मैंने तय किया कि तुम्हारी और संडे की कल सगाई कर दूँ। मेजर राव। या बिदा। कल सगाई है, कंग्रेचुलेशंस। वाह, क्या हुआ? हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। क्या? मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तू पागल हो गया? मेरी बात सुन। बाहर चल। बॉब, चल। बॉब। ओ सत श्री अकाल पाजी। संता। एंड बंता। बकिंघम पैलेस को ठंडा करने आए हैं। संता बंता कमिंग इन फॉर एसी मेंटेनेंस। और मजा आ गया बंतिया। बकिंघम दी पैलेस, बकिंघम दी पैलेस। ओ संता, बी साइलेंट यार। ओके ओके, बकिंघम दी पैलेस, बकिंघम दी पैलेस। चले से निकाल दे। ओए संते, बंते। ओए इसे हाथ मत लगाना, गलत सिलेंडर है, गलत सिलेंडर है। बिना हाथ लगाए इसको कैसे उठाऊं? व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। ओए संते, हम लोग एसी में कूलेंट डाले आए हैं, इससे नहीं है। अरे अगर ये यहाँ पे खुल गया तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ओए क्योंकि इसके अंदर लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस। अरे इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, हमें इसे बाद में डेंटिस्ट के यहाँ डिलीवरी करनी है। वो लोग इसे दांत निकालते टाइम यूज करते हैं। ओए बनते, फिर तो इस गैस की दांत देनी चाहिए। तू क्या करने जा रहा है? तू क्या करने जा रहा है? बम, मैं सच बोलना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। मैं बोलूंगा। आरुष, तू मेरी बात समझ। उतरी, तुझे जो भी बोला शादी के बाद बोलना। मैं झूठ का सहारा लेके सैंडी को नहीं पाना चाहता। आरुष, तू मेरी बात सुन। बस आरुष, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ। मुझे सच बोलना है। सच्चाई खुल के जब कहने जाए, तकदीर फूटी आड़े आ जाए। पैडलक से आखिर कब तक ये भागे, अब देखना है क्या होगा आगे। पनौती कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। हिस्सा चल Her Majesty, Queen Elizabeth II, Duke of Lancaster, Duke of Normandy, Defender of the Faith.
ladies and gentlemen, I would like to welcome the heroes of the moment. These various soldiers from around the world who have supplied their services and put their lives in danger to save the world from the constant and immediate threat of terrorism. I should also like to thank their families for their constant and silent support. May I now request Her Majesty to honor these heroes. ओए संता जल्दी से इसमें कूलेंट डाल दे, क्वीन का फंक्शन शुरू हो गया है। चल यार टाइट कर दे। फ्रॉम इंडिया मेजर कृष्णा राव। लगता है कोई बहुत फनी जोक सोचा है आपने और आप मुझे बता नहीं रहे। और कितना फनी जोक होगा जो सुनने से पहले ही मेरी इतनी हंसी छूट रही है। ओए कमीने खोते उल्लू दे पटे, तू गलत सिलेंडर उठा लाया है। अच्छा ये लाफिंग गैस है। अरे बंद कर इसे यार। अब क्या हुआ? ओए बंदे आप बंदे इनमें से क्या होगा? सिलेंडर खाली हो चुका है। ओए हमारा यार ये हाल हो रहा है तो ऊपर उनका क्या हाल हो रहा होगा? तो दिवासी भी हो। क्या बात करता है?
ये तो मेरा दामाद जी है। तो तेरा दामाद कैसे हो सकता है, वो तो तेरा बेटा है। तेरा कमीने, मुझे ये बता तेरे कितनी बीवियां हैं? बताओ। मेरी बीवी बाप की बीवी, मेरी बीवी। ये तो अच्छा कि आपकी शादी नहीं हुई, अगर हुई होती तो आपकी बीवी मेरी बीवी होती। मेरी अगर इतनी सारी बीवियां नहीं होती तो मेरी शादी आपकी बहन साइकी के साथ कब की होती? ये सब तो ठीक है, पर ये बाप की बीवी कौन सी? मुझे हमेशा पनौती मिली है, हम जस्ट बैड लक। बचपन से मेरे पास कोई लक नहीं है। हम जस्ट पनौती, जस्ट अ पनौती, जस्ट अ लूजर। मैं चाहता तुम्हें मैं झूठ बोल के पा सकता था, पर नहीं, उसे अच्छा मैं सच बोल के तुम्हें खो दूं, क्योंकि जिस झूठ से घर बसता है वो घर घर नहीं होता। Even though you mean the world to me, and you know it. सर, मैं पनौती हूं लेकिन झूठा नहीं हूं। I'm sorry सर, I'm sorry. Anna, you are both looking very nice. Nice, happy family. जैसे मेरे भाई ने मुझे इतने सालों से हर दुख से बचा के रखा है, क्या तुम रख पाओगे? Yes. मैंने तो
तुमने अभी कहा कि तुम झूठ नहीं बोलते और जाते जाते एक और झूठ बोल गए। हाँ ये झूठ है कि तुम पनौती हो, क्योंकि जिस आदमी की किस्मत में सैंडी है वो पनौती हो ही नहीं सकता। कल तुम दोनों की सगाई नहीं, शादी है। And that's an honor. किसी को जिंदगी में यारो जब सच्चा प्यार मिल जाए। पापा, वो मेरा लेफ्ट राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा? राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम। बैड लक और जिंक्स गुल हो जाए। बेटी मेरी गलती थी कि मैंने कहा मुझे घोड़े पसंद हैं। तुम जीती और मैं हारा। ना रहे पनौती वो एनी बॉन्ड, सच है बात जान लो सभी। He's not a loser, no more a loser. He's such a, such a, such a, such a winner. Friday the 13th, manhoos kehlaaye, jis din bhi aaye, pungi bajaaye. To batao kya tumhe koi aisa husband milega jo iski liye la 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 la. सच्ची महाबात रखे कदम तो फ्राइडे द 13th की भी किस्मत खुल जाए। मनौती सो एनी मोर, हर दिन हो मुबारक जिंदगी। कहीं का